आपने दिल्ली तक गए सब चर्चा में, आपने कहा था कि मुझे खुद खरीदने की आवश्यकता ना पड़ जाए, इतना गुस्सा क्यों? राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हमारे इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं राम, राम भगवान की छत्र छाया में हम राम का खाते हैं। तो आपसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, आपके बाप पर कोई पत्थर फेंकेगा क्या आप मौन रहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं, तो राम हमारे बाप हैं, उन पर कोई पत्थर फेंके तो हम मौन नहीं। आत्मरक्षा करना और आत्मरक्षा के लिए बोलना अगर भड़काऊ बयान है तो ये बयान होते रहना चाहिए। आपकी बहन बेटी पर, आपकी बहन पर, आपकी बेटी की आबरू पर कोई खेले लव जिहाद के चक्कर में, उसके साथ फ्रॉडगिरी करके नाम कुछ और कुछ बन करके उसको ले जाए, उसको कत्ल कर दे, क्या आप मौन बैठेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी रक्षण के लिए अगर हम बुलडोजर रख रहे हैं, तुम अपनी रक्षा के लिए क्रेन रख लो। हम बुलडोजर खरीद रहे बाहर में, गो तुम क्रेन खरीद लो, नो प्रॉब्लम, हम चलाएंगे तब तुम तैयार रहना। पहली बात तुम्हें ऐसा काम ही नहीं करना कि हमें चलाना पड़े। और अगर ये भड़काऊ बयान है तो ऐसे होते रहना चाहिए। देश में सबको हैरानी है, कोई राजा हो कोई प्रजा हो, देश में सबको हैरानी है। चमत्कार दिखाने का या अर्जी लगाने का हमारा मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को धाम से या अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि तुम राम नाम से जुड़ो, इसीलिए दरबार लगाते हैं। तो बाकी लोगों को हम मंच से बोलते ही हैं कि आप सब हमारे चक्कर में ना पड़ो, बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। अब उसके लिए तो सामूहिक अर्जी और भभूति ही एक उपाय है, क्योंकि हम भी अब बहुत दिन ना रात हो जाता है, बोलते खा पी नहीं पाते, सो नहीं पाते, शरीर की एक अपनी अवस्था है, क्षमता है, शरीर से बाहर मेहनत करेंगे वो जवाब जल्दी देने लगेगा, और अब देने ही लगा है जवाब, तो अब ऐसी तो कोई अभी व्यवस्था, कोशिश भर तो हम गली चलते हुए भी अर्जी लगा रही, गाड़ी पे बैठे हों, ट्रेन पे बैठे हों, कौनू फंस जाए माए उनको भलो हो जाए हमारा तो हो। देश में ऐसे राजनेता भी हैं जो श्री राम जी को काल्पनिक मानते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कविता से बता दें, एक कवि ने कहा था कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्त तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। ये जवाब प्लीज भेज जरूर देना, ये जवाब। भगवान को अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है। भगवान राजनीति का राजनीति का विषय नहीं है, भगवान तो व्यास नीति का विषय है। तो अगर कोई राजनीति कर रहा है तो हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक जो आ जाता है तो श्रद्धा भाव में ही हम उनको मानते हैं, हम किसी को मान नहीं पाते, ये हमारी भूल है। हम यही कहेंगे इस पर आप अपने सौमत से छापी और चलाइए। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जब तक निरंतर हनुमत भी मिला, तो जितने लोग जो दुख बीमारी से पीड़ित हैं तो इस मंत्र का जाप करने से उनको कहां तक कितनी सफलता। पहली बात तो ये मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, हनुमान चालीसा में अपार ताकत है। हनुमान चालीसा तो क्या, राम नाम में भी अपार ताकत है। इसकी सफलता क्या, जितनी श्रद्धा उतनी सफलता। और हनुमान तो पावर हाउस है, हनुमान चालीसा पावर हाउस है, पावर हाउस बहुत बड़ा वाला। अब आपके पास जितने लेवल की वो ट्रांसफार्मर हो उतनी बिजली लेना, वरना विस्फोट। विवाद चल रहे हैं उसको किस तरीके से आप लेते हैं? ज्ञान बापी में साधु संतों का और हमारा सबका कहना है वहाँ शिव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी विराजमान हैं, 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 और न्यायालय न्यायपालिका उस पर अपना काम कर रही है। हमें विश्वास है सनातनियों की जीत होगी, जैसे राम मंदिर पर हुई वैसे ज्ञान बाप। कौन से कुरान में ज्ञान बापी शब्द आया है जरा हमें बता दे, कुरान संस्कृत में तो आया है पर कुरान में आया कभी ज्ञान बापी नहीं आया ना। तो ज्ञान बापी का मतलब जानते, बापी माने होता है कुआं, ज्ञान माने होता है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुआं ही ज्ञान बापी है। तो विश्वनाथ के बगल में ज्ञान का कुआं होगा, हु नहीं होगा। पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, एक पार्टी को करते हैं,
जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी, उसका उसका निशान है मुगदर, और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट जरूर दीजिएगा। इसीलिए तो बहुत कथाओं की आवश्यकता है, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी जैसे महापुरुषों को बार बार, हमारे जैसे पगलों को बार बार आने की आवश्यकता है, ताकि नशा से राम से जुड़े। सब चंगी राम चेंज होगा कि नहीं? नहीं नहीं अभी नहीं होगा, वो अभी मूसा खेड़ी में रहता है। अभी चंगीलाल चलेगा, चंगीलाल मंगीलाल उसका एक हमारा चेला, उसका एक भाई कल बना है उसका चेला, जिसका नाम टिल्लू गुरु। हाँ, तो वो लंदन के लिए तैयार हो रहा है। बहुत हम बहुत बहुत नालायक आदमी है, ज्ञान नहीं है भैया, ऐसे ही है जो जो है सो मोह पे है बस, साधारण आदमी और कोई आदमी। वाह वाह, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगेंगे देश को मकान दें या ना दें, देश को जो है बहुत ज्यादा रोडें सड़कें दें या ना दें, लाइट दें या ना दें, पर देश में बहुत अच्छे गुरुकुलम की व्यवस्था जरूर दे दें। गुरुकुलम मांगेंगे हम तो, गुरुकुलम की व्यवस्था में अगर भारत लौट कर आ गया तो फिर हम मकान स्वयं बनवा लेंगे हमारे बच्चे, रोडें स्वयं डलवा लेंगे हमारे बच्चे, भारत में ना नौकरी मिले विदेशन में जाके ले लेंगे। चिट्ठी लिखने वाले क्या? अब ऐसा तो हम इतने बड़े आदमी नहीं है भैया, साधारण से गरीब आदमी की जगह नशे प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा क्यों बैठे? क्या बुराई है उनसे? नहीं दूसरी बात कर रहे, बुराई उनकी अच्छा ही होता है, लेकिन कई ऐसे बाबा भी आए समस्या के, आदमी तो उम्मीद की तरफ दौड़ता है, जो लाल चटनी हरी चटनी भी खिला रहे थे, तो ऐसे में विपत्ति झेल रहा आदमी सही संत का चयन कैसे करेगा? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। भगवान देखो, दास निवेदन करें, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, बुरा लगे तो क्षमा करना आप सब, स्पष्टवाद हम, ये किसी के भी विरोधी नहीं है, हम ना किसी के पक्षधर हैं, हमारा यह है सत्य वह है जो अपने से ना जोड़ करके परमात्मा से जोड़ने की चर्चा कर रहा है, वो गुरु सत्य है, वो संत सत्य है, उसकी शरण में लें। आपके पहले प्रश्न का जवाब यह है, अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे ना, हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं, हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई टोना टोटका हरी चटनी लाल चटनी या कुछ भी विधि बतलाता है तो पहले जांचो परखो, उस गुरु को देखो, शास्त्र सम्मत बात है तो उसका अनुसरण करो। सबसे बड़ी बात है जागना, कहना बहुत सरल है, जागना बहुत कठिन है। हम लोग कह देते हैं रामायण पढ़ो, पढ़ते नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप भी सुनी सुनाई बातें उसकी बात, आप कौन सा अपना नया अनुभव बताते हैं? किसी की सुन करके आप बता देते हैं, कोई न्यूज आपने देख ली तो उसी की 50% वो कटिंग उठाई, 50 अपनी जोड़ दी। निज अनुभव, निज रिसर्च कीजिए, गुरु पर निज रिसर्च कीजिए, स्वयं का अनुभव कीजिए, ये जो बता रहा है शास्त्र सम्मत है कि नहीं, इसके बाद फिर पुरजोर उसका विरोध करिए, और अगर वो शास्त्र सम्मत है तो पुरजोर उसका सपोर्ट कीजिए। होना चाहिए, गलत काम तो बंद होना चाहिए, गलत काम बंद होने में क्या दिक्कत है, बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। महाराज जी, उमा जी बहुत परेशान है, महाराज जी इस बात को लेकर शराबबंदी नहीं हो पा रही। आप न्यूज नहीं चला रहे होंगे? लगातार न्यूज चलाइए, मजबूर कीजिए बंद होने पर। महाराज जी, इतने दिन इंदौर में कथा करते हो गए, आपके कुछ कटु अनुभव और कुछ अच्छे अनुभव शेयर करिए ना। सब बढ़िया है, बहुत आनंद है, हम तो जहाँ भी जाते हैं मस्त मौला आदमी है, खूब आनंद आता है हमें, क्योंकि जगत से मतलब नहीं, तुम हंस रहे या नहीं हंस रहे, हम हंस रहे। शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल महातनोती। हमारी कथा आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं है, आपको रिझाने के लिए नहीं है, हमारा दरबार आपके कल्याण के नहीं है, हमारा दरबार सनातन के कल्याण के लिए है, सनातन के प्रचार के लिए है, हमारी कथा निज आनंद के लिए है, अब वो हमें पर्याप्त मिल रहा है। अब आप क्या सोच रहे, आपको हमसे कितनी बुराई हुई कितनी अच्छाई हुई, ये आपका विषय, इट इज़ योर पर्सनल मैटर। दो प्रश्न है, हमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, पागल आदमी हमें अपने से टाइम नहीं रहता है, हम बहुत ज्यादा सेवा में बिजी रहते हैं, दरबार में। आप ये बताओ हमारे दरबार से कितने लोग खुश हैं? बाहर में गए जी, जो फिलहाल में वर्तमान हालात है हमें यहाँ मिले, हम सबको पर्चा बनाई तो हम बनवा दे। बहुत अच्छा, जिस प्रकार अच्छे से भोजन चबाने के लिए 3200 दांतों की आवश्यकता है, उतना जरूरी है।
जब तक पूरे दांत नहीं होते हैं व्यक्ति चबा नहीं पाता, डाढ़ें पूरी होनी चाहिए तभी भोजन बढ़िया पिस जा पाता है, तभी अंदर पच पाता है। उसी प्रकार संपूर्ण सनातनियों को एक होने की आवश्यकता। गुरुदेव मोदी जी के कार्यकाल से या मोदी जी आप टोकन नंबर डालिए सबकी होगी, केवल उनकी क्या, भारत का क्या। अबे तो हम लंदन में भी जा रहे हैं, लंदन में पार्लियामेंट से इनविटेशन आया है कि आपको यहाँ पर वो देना है, आप बहुत बेबाक बोलते हैं तो आपको वो देना है वहाँ के एमपीओ को, समझा देंगे, भारत के नो ही समझ रहे हमें तो हर जगह, तो आप उनकी बात कर रहे हैं, आप चाहे जिसकी कहो, तुम तो टोकन नंबर डालो कोई भी की बाला, हमारा तो दरबार है नहीं, दरबार तो बालाजी का है और बालाजी के सामने पीएमसीएम कुछ है नहीं है, लो झंझट खत्म। और कोई कहेंगे जब तक जीवन रहे तब तक आते रहिएगा, और बहुत जल्दी पधारिए, अभी 29 को तो हम रहेंगे, हम 16 को वापस वहाँ से आ जाएंगे, चीलगाड़ी से वापस जब आएंगे वहाँ से लंदन से, उसके बाद सब लोग जरूर पधारें। बहुत सुंदर यहाँ के पत्रकार लोग हैं, बुद्धिमान हैं, हम बहुत बंदूक लेकर चलते हैं, भगवान करे आप सबका विवेक शुद्ध रहे। जो गरीब हैं जिनकी वास्तविक खबर दिखनी चाहिए उनकी दिखा पाओ, क्योंकि देखो हम लोग तो, हमारे लिए तो ऐसा है कि हम आप नहीं आओगे को ना को हमारी नीच चला ही दे। वास्तविकता यह है कि आपके पास वो बल हो जिसकी न्यूज नहीं चल पा रही उसकी खबर आप चला दो, ये आशीर्वाद। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए यही बड़ा संदेश है कि माता पिता भगवान यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और इसके अलावा कुछ भी सार नहीं। इसलिए माता पिता भगवान को माने, नशा छोड़ करके परमात्मा की नशा में डूबे, इसमें जितना आनंद है वो किसी और में नहीं है। भोग का विषय नहीं है धर्म, योग का विषय है धर्म। इस प्रकार से आप बता सम्मान करना चाहिए, बाकी आज के समय में युवा अधिकतर अपनी पत्नियों को लेकर अलग चले जाते हैं, माता पिता परेशान होते रहते हैं, उनको वृद्धाश्रम की ओर जाना पड़ता है, ओल्ड एज होम का कल्चर बहुत ओल्ड एज होम का कल्चर ज्यादा बढ़ गया है, युवा इस तरह से मतलब अपने माता पिता का। माय डियर, इसीलिए तो हम निवेदन कर रहे हैं, इसलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमने एक, अब हम तो बहुत मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी, हमने एक नया भाव बनाया है और वो बहुत बार मंच से बोला, GOD, गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शंकर। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं इसलिए वो जो है ऑपरेट जनरेटर हैं, और ऑपरेटिंग यानी जो है संसार का पालन विष्णु करते हैं तो वो ऑपरेटर हैं, डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी संहार का बल शंकर जी के पास में है तो वो शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यही गॉड हैं, और इन तीनों के दर्शन अगर जिंदा में करना है तो जी फॉर जनरेटर, जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी माँ, ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स विष्णु, विष्णु यानी पिता, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी दंड देने की विधा, वो है गुरु। माँ पिता गुरु ही तीनों ब्रह्म। अब हम क्षमा मांगेंगे, कथा सुने, कथा सुनने जरूर सब पत्रकार आए, आप जरूर आइए सर प्लीज। टाइम न्यूज़ देखिए अब।